हेलो या स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आज का पवित्र वचन सच्ची आराधना। जिस तरह अय्यूब की पुस्तक 1:21 आयत में लिखा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। मेरे प्रियो, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि हर हालात में परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। धन्य कहने का मतलब है कि परमेश्वर की आराधना करना, और परमेश्वर की आराधना हम सिर्फ सुरों में गाकर नहीं करते। आराधना करने का मतलब है कि हर समय जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाएं तो हर एक विश्वासी अपने दिल को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें। बाइबल में जितने भी नायक हैं, जितने भी परमेश्वर के दासों के बारे में हम पढ़ते हैं, उन सब ने अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो जब उसके पूरे शरीर पर जख्म हो गए, जब उसका पूरा शरीर रोगों से ग्रस्त हो गया, उसकी पत्नी ने उसका हाथ छोड़ दिया, उसके बच्चे व्यापार सब कुछ खत्म हो गया, तो अपने दुखों में भी उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। उसने कहा कि जिसने दिया था उसी ने लिया और उसी का नाम धन्य हो। इसलिए जो कुछ उसका खत्म हो गया था, परमेश्वर ने उसका दोगुना उसको लौटा दिया। दूसरी तरह के सच्चे आराधक वह है जब सारे रास्ते बंद हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ जाएं, तब भी वह परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। तीसरी तरह के आराधक वह हैं जिन्होंने अपनी गवाही को ले लिया है और अपना जीवन सुख और आराम से व्यतीत कर रहे हैं, और अपनी गवाही पाने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, और परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसकी आराधना करना, उपवास में रहना, पवित्रताई में रहना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना उन्होंने नहीं छोड़ा है। जब एस्तेर को परमेश्वर ने ऊंचा किया और वह रानी बनाई गई, तब भी उसने उपवास रखना, परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, और जब सारे यहूदियों पर विपत्ति आई तो उसके कारण न केवल यहूदी कौम बचाई गई, पर उसके विश्वास से बहुत सारे अन्य लोगों ने भी परमेश्वर को अपनाया। चौथी तरह के आराधक वह हैं जो सताव आने के बाद और विरोध होने के बाद भी परमेश्वर में खड़े रहते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण दानियल को शेरों की मांद में गिराया गया, फिर भी उसने परमेश्वर के नाम को महिमा दी, उसे धन्य कहा। उसी तरह मोर्दके को राजा की भलाई करने के कारण भी राजा से कोई आदर नहीं मिला, फिर भी जब हामान ने उसे षड्यंत्र में फंसा कर मारना चाहा तो परमेश्वर के नाम को महिमा देने के कारण परमेश्वर ने उसे बचाया। राजा ने उसे शाही मुकुट और शाही वस्त्र पहनाकर घोड़े पर बिठाया और पूरे राज्य में उसका सम्मान किया गया। इसलिए अगर आपके जीवन में भी शर्मिंदगी, परीक्षा, बीमारियां और श्राप हैं, और अगर आप उनको तोड़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर के सच्चे आराधक बन जाएं। हालात चाहे कुछ भी कहें, हर अच्छे बुरे या समय में परमेश्वर की आराधना करें, तब देखें कि परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर कैसे आपको आशीषित करता है। आमेन, आमेन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर करें ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। परमेश्वर, आपकी हजूरी हमेशा मेरे साथ बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस पवित्र वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन।